कांग्रेस के अहम पदों पर रह चुके बड़सर के समाज सेवी नेता सीताराम भारद्वाज 5 जुलाई को भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा में शामिल होने वाले समाज सेवी सीताराम ने विगत विधानसभा चुनाव में बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़कर जहां भाजपा के विजय रथ को बड़सर में रोक दिया था, वहीं कांग्रेस का प्रत्याशी भी चंद मतों से जीत हासिल कर पाया था। इसीलिए अब बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सीताराम भारद्वाज को अपने पाले का योद्धा बनाने की कूटनीति को अमल में लाते हुए उन्हें अपने कुनबे में शामिल करना जरूरी समझा। सीताराम भारद्वाज बड़सर की जनता में अपना जनाधार है। उधर बीजेपी अगर सीताराम भारद्वाज की राजनीतिक क्षमताओं का भरपूर दोहन कर ले तो बीजेपी में मची धम्मा चौकड़ी को सीताराम भारद्वाज न केवल नियंत्रण करने की क्षमता रखते हैं बल्कि बीजेपी से नाराज नेताओं और कांग्रेस को एक मंच पर लाने की योग्यता भी रखते हैं। 5 जुलाई को सीताराम भारद्वाज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जबकि दूसरी ओर पार्टी व सत्ता को अपने जागीर मानने वाले नेताओं की मंडली आला कमान के इस कदम से परेशान है। मैं इससे पहले ये बताऊं कि मैं पीछे कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश सचिव रहा हूं और उसमें जो यहाँ स्थानीय नेता थे और जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने हमारी अनदेखी करी। हमारे जो मेरे साथी मेरे कार्यकर्ता थे उनका कोई भी काम नहीं किया, विकास नहीं हुआ। इसलिए मैंने जो है 2017 में मैंने जनवरी में जो है वो पार्टी छोड़ दी थी और एनजीओ जिसमें हमारे कम से कम 1500 मेंबर हैं जो कि जय जवान जय किसान के नाम से है, जो रजिस्टर्ड है। और अब जो है वो क्योंकि लोगों की डिमांड है, लोगों की मांग है कि मैं एक अच्छी पार्टी से जुड़ूं और मेरे साथी भी सारे उनकी भी यही राय है कि वो भी मेरे साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें। तो अब हमने सारी टीम ने सारे एनजीओ ने फैसला किया है कि हम 5 तारीख को मेहरे रेस्ट हाउस में अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के सानिध्य में और जो कि हमारे हमीरपुर क्षेत्र के सांसद हैं उनके सानिध्य में और जो है वो हम सैकड़ों अपने साथियों के साथ जो है वो 5 जुलाई 2018 में हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं।